الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستعينه ونستغفره ونؤمن به فنتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا بشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وأولانا وأجلانا وآدمنا وأكرمنا وأشرفنا وأحسننا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, रजब के महीने की मुनासबत से गुज़िश्ता जुमा मैंने आप हजरात के सामने जिक्र किया था इस महीने के उन्वानात तारीख इस्लाम के एतबार से जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत और दूसरे मेरे प्यारे पैगंबर के प्यारे सहाबी हैं, रिश्ते में मेरे पैगंबर की बीवी के सगे भाई भी हैं, इस्लाम के अंदर अजीमुशान कारनामे सरंजाम देने वाले कातिब वही भी हैं, अमीर शाम भी हैं, जनाब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का योम वफात है। 22 तारीख को 22 रजबुल मुरज्जब को ये अजीम इंसान दुनिया को छोड़ करके रब्बे जुलजलाल की दरबार के अंदर पहुंच गया। इस उन्वान से इनकी जिंदगी, इनकी सीरत वो भी इंशाल्लाह अपने मकाम पर जिक्र करेंगे। फिर इनकी वफात के ऊपर एक कुंडों की रस्म जो आम तौर पे मनाई जाती है, उसको मनाना कैसा है, उसको खाना कैसा है, उसको खिलाना कैसा है, इस पर भी इंशाल्लाह तफसीली तौर पर जिक्र करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम वाकया जो इस माह मुबारक के अंदर हुआ वो मेरे आका का मेराज का वाकया है। मेरे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास कैसे तशरीफ ले गए, मेरे आका ने वो मजलिस कैसे अटेंड की, अल्लाह के सामने कैसे पेश आए, मेरे रब ने फिर मेरे पाक पैगंबर के साथ मोहब्बत का इजहार कैसे फरमाया, ये सारा इंशाअल्लाह ताला जिक्र करेंगे। बहरहाल मेराज के वाकये से ना एक बात बड़ी जबरदस्त समझ में आती है। आपको मेरा अल्लाह अगर तौफीक अता फरमाए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकम्मल का मुताला करें और रोजाना की बुनियाद पर 2 सफ़े, 3 सफ़े, 5 सफ़े
कोशिश करें एक सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किताब खरीदें और इसके रोजाना दो सफे, जो भी आपके पास टाइम हो, रात को सोने से पहले हो, सुबह का वक्त हो, दिन में ज्यादा नहीं मुताला कर सकते तो एक सफा डेढ़ सफा जरूर मुताला करें। आप यकीन करें आपकी जिंदगियों में इंकलाब पैदा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि मेरे आका ने कारोबार कैसे किया। मेरे आका की तो जिंदगी हुई शुरू कारोबार से। आज लोग कह देते हैं ना मौलवियों को क्या पता है कारोबार का। आप यकीन करें मौलवी तो पैगंबर के साथ चलते हैं ना जी, पैगंबर की सीरत के मुताबिक चलते हैं। मेरे पैगंबर की नबुवत बाद में, नबुवत का ताज मेरे अल्लाह ने बाद में पहनाया है, तिजारत मेरे पैगंबर ने पहले करके दिखाई है, फिर मेरे पैगंबर ने अपनी नबुवत का पैगाम लेकर के मुआशरे में मेहनत बाद में शुरू की है, मुआशरत के उसूल मेरे पैगंबर ने वो पहले सिखाए हैं। लोग कह देते हैं ना मौलवियों को मुआशरे का क्या पता। मुझसे एक बंदा कहने लगा तुम मौलवियों को मुआशरे का क्या पता है। मैंने कहा हमें नहीं पता तो पता किसे। कहता मैं यकीन से कहता हूं आपको कुछ नहीं पता। मैंने कहा आप अपना यकीन जरा वाजे करें, कैसे हमें नहीं पता है। कहता आपको पता ही कुछ नहीं होता। मैंने कहा मैं बताता हूं, पहले मेरी बात सुनो, हम मौलवियों को क्या नहीं पता होता। आप बताएं आपके मोहल्ले में कौन शख्स आज बीमार है। कहने लगा मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा कौन शख्स ऐसा है जिसने अपनी बेटी का मंगनी करने का इरादा किया है, अपने बच्चे की खुशी मनाने का इरादा कौन कर रहा है, आपको पता है। कहने लगा नहीं। मैंने कहा किसके घर में फोत की होने के बाद कितने दिन बने हैं कितने नहीं बने आपको पता है। कहता नहीं। मैंने कहा अच्छा मोहल्ले में आपको पता हो कि किसके यहां विलादत होने वाली है और किसके यहां विलादत हो गई है आपको पता है। कहता नहीं। मैंने कहा हमें सब पता होता है तो आपको कैसे पता। मैंने कहा जिसके यहां विलादत करीब हो वो भी सबसे पहले हमारे पास आता है, मुफ्ती साहब जरा दुआ करना विलादत के अय्याम करीब है। मोहल्ले में कोई बीमार हो गया ना जी तो सबसे पहले फोन हमारे पास आता है, मुफ्ती साहब फना साहब बीमार है, हमारे अजीज हैं, आप दुआ तो फरमा देना। मोहल्ले में किसी ने अपनी मंगनी बच्ची की मंगनी करनी हो ना सबसे पहले इत्तला आती हमारे पास है, मैं अपनी बच्ची के अय्याम रखना चाह रहा हूं जरा रिश्ता को देख के बताएं कैसा रहेगा, क्या जोड़ बनेगा भी या नहीं बनेगा। इत्तला तेरे पास नहीं आई है, मेरे पास पहले आ गई है। जब कोई फोत होता है तो सबसे पहले इत्तला हमारे पास आती है, तेरे पास बाद में पहुंचती है। हमें पहले कहा जाता है मुफ्ती साहब फला साहब फोत हो गया जरा ऐलान तो कर देना। तो अब बताए मुआशरा, हम मुआशरत को ज्यादा जानते हैं या आप ज्यादा जानते हैं। खामोश हो गया, जवाब कोई नहीं हुआ उसके पास। और बात भी हकीकत यही है, खुशी का सबसे पहले पता हमें चलता है, गमी का सबसे पहले पता हमें चलता है। अच्छा बच्चा पैदा हो गया, तुझे विलादत की खबर शायद दो घंटे के, चार घंटे के, दस घंटे के बाद होगी, मेरे पास पहले आ जाती है। मुफ्ती साहब बच्चा पैदा हो गया टाइम निकाल के कान में अजान तो देते जाना। जनाजे का टाइम कब रखना है कब नहीं रखना वो भी हमसे पूछ के रखा जाता है, तुझे तो पता ही नहीं होता। तो बता मुआशरत का पता किसे है, हमें या आपको। इसलिए मैंने कहा बातें ना कर किया करें, जरा बात को समझा करें। मैं बात कर रहा था आप सीरत का मुताला करना शुरू कर दे, जिंदगियों में इंकलाब आ जाएगा। अच्छा आप अगर सीरत की पूरी किताब नहीं ना पढ़ सकते, ये मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको समझो जरा, अगर पूरा मामला नहीं ना पढ़ सकते आप सीरत का, कम से कम वो वाकिया कि मेरे पैगंबर मेराज पे गए कब थे, कैसे गए थे, अल्लाह के सामने वो तन्हाई में मुलाकातें क्या होती है जरूर पढ़ना। इसको जब आप पढ़ेंगे ना, खुलासतन आपको बता रहा हूं, आपको जो बात समझ में आएगी ना, मेरे रब को अदाएं बड़ी पसंद आती हैं। मेरे रब को जब अदाएं पसंद आती है ना, यकीन करें वो रब अदाओं के ऊपर बड़े बड़े फैसले फरमा देते हैं। और अदाएं ही तो है ना, अल्लाह ने हम मुसलमानों को भी तो क्या अदाओं का ही लालच दिया ना, तुम जन्नत में आओगे तुम्हें ऐसी हूरे दूंगा, वो हूर एक एक अदा पे 70,000 नखरे दिखाएगी। अदाओं की बात है ना, अदाएं मेरे रब को बड़ी पसंद आती हैं। मैंने आपको वाक्य नहीं सुनाया था कि मेरे अल्लाह को अदा जब पसंद आए, क़यामत वाले दिन अर्श का मैदान, अर्श लगा हुआ होगा, मैदान महशर होगा, दो गुनाहगार आएंगे मेरे पैगंबर मेरे रब के सामने, अव्वलीन और आखिरीन सब मौजूद हैं, दाएं जानी अंबिया बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, ताबईन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, किया बैठे हैं, सब बैठे हैं। और सबके बैठने के बाद मेरा रब जलवा अफरोज है, और दो गुनाहगार आए बड़े गुस्से में मेरे रब होंगे, अल्लाह फैसला फरमा देंगे उन्होंने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानियां की हैं, सारी जिंदगी मेरी नाफ, इनको उठाओ और जहन्नम में डाल दो। अब दो बंदे खड़े, जहन्नम का फैसला हो गया, एक बंदा कहेगा ला
फरिश्तों को क्यों तकलीफ देते हैं, मैं खुद जा रहा हूं, जहन्नम की तरफ मुंह करेगा तोड़ लगा देगा, और दूसरे को जाने का मन नहीं चाहेगा, वो जाना चाहेगा लेकिन फरिश्ते उसको पकड़ के खींच के ले जा रहे, अब वो जहन्नम की तरफ एक उसका मुंह है, रोएगा, कभी यूं पीछे देखेगा, फिर आगे देखेगा, फिर पीछे देखेगा, फिर आगे। अल्लाह जानते हैं, हमारा अकीदा इन अल्लाह ताला खबीर अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तो सीनों के भेद को भी जानने के बावजूद मेरा रब कहेगा इनको ले आओ, पूछेगा हां भाई तुझे मैंने कहा जा, तू भागता हुआ गया, और इसको फरिश्ते घसीट के ले जा रहे, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे, जानने के बावजूद मेरा रब कहेगा बोल क्या मसला है। अब यहां पे अगर बंदा सोचे ना, अल्लाह जानता है, जानने के बावजूद पूछता क्यों है, अल्लाह जानने के बावजूद पूछता, ये जुमले ना बड़े, ये इश्क और मोहब्बत में जब बंदा डूबे हुआ ना फिर समझ में आता है, अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, और जो महबूब होता है ना, महबूब की जुबान से मोहब्बत का इकरार सुनने में जो लुत्फ आता है वो किसी और शाम में आते ही नहीं है। अल्लाह को अपने बंदों से अपनी रुबूबियत का इकरार करवाना चाहते हैं, तो अल्लाह पूछेगा हां भाई तू क्यों भागा, वो कहेगा अल्लाह सारी जिंदगी मैंने नाफरमानियां की, तेरे हुक्मों से दूर भागता रहा, तू बुलाता रहा मैं दूर जाता था, एक तेरी नहीं मानी है मैंने, आज वक्त आया था, मैंने सोचा जन्नत तो आज में ही है, रो के जाऊं या हंस के जाऊं, जहन्नम तो मेरा ठिकाना बन ही गया, चलो और कुछ नहीं, एक तो रब की मान लू ना, एक मर्तबा तो इताअत कर लू, बस मैंने ये सोचा और जहन्नम की तरफ दौड़ लगा दी। अल्लाह कहेंगे अच्छा, दूसरे से पूछेंगे हाँ भाई तू क्यों मुड़ मुड़ के देख रहा था, वो कहेगा ला बात दरअसल ये, मैंने दुनिया के अंदर सुना था तू अपने बंदे से ना 70 माओं से ज्यादा प्यार करते, मेरी तो एक मां थी दुनिया के अंदर, मेरे अब्बा ने दूसरी शादी की नहीं, डरता था मुआशरे से, दूसरी शादी उससे हो ही नहीं सकी, इमरान ना डर कर ले, दूसरी शादी करना भी सवाब है, बशर्ते कि पहली मान जाए, ध्यान रिकॉर्ड हो रहा है आजकल तो, वो कौंसल वाले जो है ना जी बड़ी सख्ती किए हुए हैं, तो बाहर मेरे अब्बा की तो एक ही बीवी थी, मेरी एक ही अम्मा थी, मैंने देखा मैं जब कभी कोई गलत काम करता था ना, उस गलत काम के ऊपर वो मुझसे नाराज भी हो जाती थी, डांटती भी थी, लेकिन जब खाने का वक्त आता था ना मनाने, फिर वही मुझे आ जाती थी, मनाती भी थी और खाना भी खिलाती थी, मैं देख रहा था मेरी दुनिया की मां कभी मुझे आग में जलाना पसंद नहीं करती थी। अल्लाह को तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता, वो तेरा प्यार कब आएगा, कब तू बुला के देगा, आ जा मेरा बंदा मैं तुझे जहन्नम से आबाद करता हूं। अल्लाह फरमाएंगे वाकई दोनों की यही बात है, पहले ने इताअत की और दूसरे ने उम्मीद की, अदा है ना उसकी अदा इताअत वाली और इसकी अदा उम्मीद वाली, मेरा रब इन दोनों की अदाओं पे, मैंने कहा मेरे रब को अदाएं बड़ी पसंद आ जाती है, अल्लाह इन दोनों की अदाओं की कदर करते हुए देगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैं इन दोनों की जिंदगी के सारे गुनाहों की माफी का ऐलान करता हूं। अदाए आपने वो वाक्य नहीं सुना बेश्ती जेवर के अंदर भी, बड़ा मशहूर हदीस मुबारक से मनकूल है, मफहूम है, वो औरत जिसको मुआशरा कंजरी कहता था, जिसको मुआशरा तवायफ कहता था, वो जो अपना जिस्म बेच के गुजारा करती थी, वो जो लोगों को खुश करने के लिए डांस किया करती थी, वो जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाया करती थी, लोग उसको अच्छे निगाह से नहीं देखते थे, लोग उसको अपने करीब नहीं किया करते। अच्छा ये भी मुआशरे का अजीब मामला है ना, किसी गरीब के बदन के ऊपर लिबास डालना हो ना, लिबास डालना हो तो जिनाबे वाला, यहां बहुत से लोगों की कई हुज्जतें आ जाती हैं, अमीर की जेब से तो पैसा निकलता ही नहीं है ना, गरीब फिर भी कुछ ना कुछ हिम्मत, और अगर किसी औरत के बदन से कपड़े उतरवाने हो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अगर किसी औरत के बदन से लिबास उतरवाने हो, फिर जिनाबे वाला अमीरों की तिजोरियां खुल जाती हैं, ओ वो नाच रही है और इसके पैसे नहीं रुक रहे। ये जब मेरा रब कल पूछेगा ना इसका बदन ढांपना था तो तब तेरी तिजोरी क्यों नहीं खुली, और जब बदन को नंगा करना था तो तेरी तिजोरियां क्यों खुल गई। इसी पे आप ले लेना, किसी गरीब के पेट में खाना डालना होना पैसे नहीं खुलता, फिर 100 बातें आ जाती है, मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है, अभी सर्दी है तो किसी को मैं गर्म चादर कैसे लेके दे दूं, और किसी के सर से दुपट्टा उतारना हो, फिर रेट फिक्स किए जाते हैं, मैं इतने दूंगा, रात मेरी बेहतरे दूंगा, बहरहाल ये मौजू नहीं है हमारा, मैं कह रहा हूं मेरे रब को अदाएं पसंद आती है,
वो लोगों के तफरी का सामान थी, प्रोग्राम करके रात को आ रही थी। रात को आते हुए कुएं के करीब देखे कुत्ते का बच्चा जो नजस है। हुक्म है ना आपके बर्तन के अंदर, अगर बर्तन को वैसे नापाक हो गया एक बार धो लो पाक हो जाएगा। कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो कितनी बार धोते हैं? कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 बार धोएंगे तो पाक होगा, जिसमें एक मरतबा मिट्टी से भी धोना जरूरी है। उसकी हिकमत क्या है वो इंशाल्लाह फिर कभी। जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दो उसको 7 मरतबा धो तो पाक होते। वो आ रही थी जो जमाने की तवाफ थी, जो जमाने की तफरी का सबब थी, जिसको जमाना इज्जत की निगाह से नहीं देखता था, वो आ रही थी। रात को नजर भी किस पर पड़ी? नजसुल ऐन कुत्ते के बच्चे के ऊपर, जिसके झूठे को भी क्या करना 7 मरतबा धोना जरूरी है। नजर पड़ी, दिल में ख्याल आ गया कुत्ते का बच्चा है, हांप क्यों रहा है, हांक क्यों रहा है, उसकी जुबान बाहर क्यों निकली हुई है। अच्छा प्यासा है, चलो पानी पिला देती हूं। अच्छा पानी कैसे पिलाऊं, बर्तन तो है नहीं, रस्सी भी कोई नहीं है, कुएं से निकालना पड़ेगा, तवज्जो मेरी तरफ करना तवज्जो। दिल में ख्याल आया ये जो दुपट्टा कल रोजों के लोगों के लिए उतारती हूं ना, आज चलो इस कुत्ते के लिए उतार देती हूं। वो जो लंबी ऊंची हील वाली जूती पहन के अटक मटक कर लोगों के लिए चलती हो ना, आज वो हील वाला सैंडल इस कुत्ते की प्यास बुझाने के लिए उतार देती हूं। गले से निकाला दुपट्टा, वो हील बांधी दुपट्टे के ऊपर, कुएं के अंदर लटका दिया, और कुएं के अंदर लटका के उसी दुपट्टे के जरिए से अपने जूते में पानी निकाला, और उस कुत्ते को पानी पिलाने की देर थी। यकीन करे वाकियात में लिखा मर गई, बस इतना से काम किया ना, मेरे रब के दरबार में पहुंची, जो सारी जिंदगी रब की नाफरमानियों से पता नहीं क्यों दूर थी, क्या मजबूरी थी, पता नहीं रब की नाफरमानियां क्यों कर रही थी, शायद पेट की आग बुझाने के लिए यह काम कर रही हो। वही दुपट्टा तो उतारा था, वही जूता तो निकाला था, बस मेरे रब को यही अदा पसंद आई और कहा तूने मेरे मखलूक अगरचे कुत्ता है उसकी प्यास बुझाने का इंतजाम किया, जा मैं रब तुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे देता हूं। नर्ज करो ना, मेरा रब अदाओं को पसंद करता है, अदाओं को। एक जुमला निकलता है और मेरा रब उस जुमले के ऊपर मगफिरत के ऐलान कर देता है। एक जुमला निकलता है, मेरा रब जिंदगी पलट। वाकई मैंने आपको नहीं बताया कितनी मरतबा, वक्त नहीं है हमारे पास, और मुहद्दिस थे, बड़े मुहद्दिस थे, आलिम थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, किताबें लिखते थे, अहादीस लिखते थे, और दीन का काम वाज़ो नसीहत सारा कर रहे हैं। बस एक मरतबा कलम दवात के अंदर डबोई, और डबो करके लिखने के लिए ऐसे उन्हें कलम के ऊपर स्याही लगी हुई थी, स्याही का वो डब्बा या आप थोड़ा सा स्याही, मक्खी उड़ती हुई आई उस स्याही के ऊपर बैठ के अपनी प्यास बुझाने लग गई, चूस रही है स्याही को। दिल में ख्याल आया कि और कुछ नहीं, कम से कम अल्लाह की मखलूक तो है ना, एक मक्खी है यार, मक्खी और कुछ नहीं, कम से कम अल्लाह की मखलूक है, बस हाथ को रोक लिया थोड़ी देर, नहीं मैं इसको हरकत नहीं देता, चलो अपनी प्यास बुझा के चली जाए, मेरा क्या जाता है, थोड़ी देर के लिए रोका, और रोका, मक्खी ने अपनी प्यास बुझाई, उड़ के चली गई। काम करते रहे, दिन का काम करते रहे, फोत हो गए। किसी ने ख्वाब के अंदर देखा, पूछा देख बड़े मजे से है, सफेद लिबास है, रोशन चेहरा है, ऊंचे महल्लात हैं, बादशाह जिंदगी आखरत वाली बड़ी सुनहरी है। पूछा क्या मामला हुआ? हमें रब ने मेरी मगफिरत कर दी। आगे जो बंदा था वो भी मलक असगर वाग दे चतरा होगा, तो कहने लगा आपकी मगफिरत क्यों ना होती जी, आपने तो किया सारी जिंदगी दीन का काम है, आपने तो नमाजें पढ़ाई हैं, हदीस पढ़ाई है, आप तो वाज़ और नसीहत, आपकी मगफिरत क्यों ना। आगे सुन मौलाना साहब का जवाब, नहीं 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 नहीं, सारी बातें ठीक है मैंने की है, लेकिन जब मेरे रब के सामने मेरी पेशी हुई थी ना, पता है मेरे रब ने क्या कहा था? कहा क्या कहा? मेरे रब ने कहा तूने सारे काम किए मेरी तौफीक से किए, वो अलग बात है, मैं उनके हिसाबों किताब में जाता ही नहीं हूं, बस तेरी वो अदा, जब तूने वो स्याही के अंदर कलम डबोया था ना, और मक्खी ने आकर अपनी प्यास बुझाने के लिए चूसना शुरू किया, तूने लम्हा भर के लिए अपना हाथ रोक लिया, हरकत नहीं दी, बस मुझे तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि तूने मेरी एक हकीर मखलूक के ऊपर तरस खाया, जा मैं रब तेरे ऊपर तरस खाता हूं और तेरी मगफिरत का ऐलान कर देता हूं। नर्ज करो, मेरा रब अदाओं को बड़ा पसंद करता है, ये अदाएं अपनाएं, किसी नेकी को हकीर ना समझा करें, किसी गरीब के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए, खुदा की कसम ये कितनी बड़ी अदा होगी ये आप नहीं समझ सकते।
और कोई कुंगड़ते हुए सर्दी के अंदर बच्चा बैठा हो ना, गरीब का बच्चा, उसके अबलर गर्म देने के लिए लंदे से कोई गजरसी खरीद के उसके ऊपर डाल दो और उसको जब सुकून मिले और आसमान की तरफ देखे, बस जुबान से कुछ भी ना बोले, बस उसकी ये अदा आपके लिए क्या कुछ तब्दील करवा सकती है आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमा दे।